हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों से कुछ बात करनी थी, और वो बात अपनी लाइफ के बारे में कि कैसे मैंने अपने गोल और अपनी ख्वाहिश को अचीव किया। जैसे बचपन में सबको शौक होता है स्पोर्ट्स कार का, स्पोर्ट्स बाइक का, ऐसे ही मुझे भी बस शौक था स्पोर्ट्स बाइक का। ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले मैंने एक स्पोर्ट्स बाइक देखी। इट वॉज अ काइंड ऑफ स्पोर्ट्स बाइक, और वो बाइक मुझे इतनी पसंद आई, मतलब यार उस बाइक की तो गेम्स ही अलग थी। और फिर उस बाइक ने मेरे इस शौक को मेरे जुनून में बदल दिया। पर मसला ये था कि ना पैसे थे और ना लाइफ में कुछ ऐसा प्रूफ या अचीव किया था कि मैं घर वालों को कहता और वो मुझे फ़ौरन बाइक ले देते। पर मुझे फिर एक फाइनली अपॉर्चुनिटी नज़र आई, और मैंने ये सोचा कि अगर क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स में मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ और बहुत अच्छे मार्क्स लेता हूँ ऑफकोर्स, तो फिर चांस है कि मैं अपनी फैमिली के सामने ये ख्वाहिश रखूँ और वो मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दें। मतलब आई वॉज सो पैशनेट अबाउट माई बाइक कि आई रिमेंबर मैं हर वक्त अपने बाइक के बारे में ही सोचता था। और फिर मैंने लगातार अगले 6 महीने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया और रातों को जाकर पढ़ा। शुरू में तो घर वालों को लगता था पता नहीं किससे रातों में फ़ोन पर बातें करता है, पर बाद में उनको भी यकीन हो गया कि बेटा ग्रुप स्टडी ही कर रहा है। फिर फाइनली जुलाई 2019 में मेरा रिज़ल्ट आया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने कर दिखाया। और उसके ऑलमोस्ट पूरे 1 महीने बाद आई फाइनली गॉट इनफिनिटी। बिलीव मी, आई वाज सो हैप्पी। पर असल खुशी उस बाइक को हासिल करने की नहीं थी, असल खुशी उस गोल को अचीव करने की थी। और सारे पैसे तो उन गेम्स के हैं जो आपको बाइक पे बैठने के बाद मिलती हैं, और उस फीलिंग के हैं जो आपको उस पर घूम के मिलती है। एंड पर कंक्लूजन इज दैट आई नो कुछ लोगों को लगेगा कि शो ऑफ मार रहा है, पर आप लोगों को ये सब बताने का मकसद ये था कि असल खुशी उस चीज़ को हासिल करने में नहीं, बल्कि असल खुशी उस चीज़ को हासिल करने की मेहनत में। तो फिर मिलते हैं, जब बाइक स्टार्ट करते हैं ना तो जो आवाज़ है, हाय सारे पैसे उसके हैं।